अपने मांगों को लेकर जब रोड पर उतर रहे हैं तो उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, उनकी बातें नहीं सुनी जा रही है और आप उनको राजकर्मी का दर्जा नहीं दे रहे हैं, क्या बात है भाई। और बिहार में डोमिसाइल नीति जो आप लागू है, बिहार के बच्चों को शिक्षक बनने को मिलना चाहिए, उसको भी आप हटा रहे हैं। साथ कदम में कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है। बोले कि शिक्षक को मारा जाता था, तो इससे पहले जो सरकार थी उसमें भी तो आपको जब शिक्षक नियोजन का जब प्रक्रिया चल रहा था उसमें भी धरना प्रदर्शन हुआ था, उसमें भी आपको सरकारें पीटी थी। नहीं ऐसा देखिए, बात है आपने जो वादा किया था और पहले की सरकार की आप जो बात कर रहे हैं, का आप जो पहले से जो हमारे टीचर भाई बहन हैं तो उनको तो आप राजकर्मी का दर्जा दे दीजिए, और जो जो नया अब बहाली कराना है बीपीएससी से कराइए चाहे यूपीएससी से कराइए, इससे कोई हम लोग को ऐतराज नहीं है। लेकिन जो पहले से जो टीचिंग जॉब में आ गया है, जो परीक्षा दे के आए हैं, तो बार बार कितने बार परीक्षा देंगे वो। ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, किसी भी राज्य का किसी भी देश का युवा जो होता है वो देश का निर्माण करता होता है, और यहाँ पर जब भी हमारे गांधी मैदान पटना में जब युवा साथी अपने बेरोजगारी को लेकर यहाँ पर धरना पर आते हैं, नीतीश कुमार जी लाठीचार्ज कराते हैं। देखिए, जो हमारे घर के एक गार्जियन के रूप में है, अगर गार्जियन ही बच्चों के डिमांड के ऊपर लाठियां बरसाना शुरू करे तो ऐसे गार्जियन की आवश्यकता बिहार के युवाओं को बिल्कुल नहीं है। उल्टा मंडी का खेल खेल रहे हैं, कभी बीजेपी के गोद में बैठते हैं, कभी आरजेडी की गोद में बैठते हैं। आपका सिर्फ एक ही मकसद है और वो मकसद है मुझे बस किसी भी हाल में कुर्सी बचाना है, इसके लिए वो किसी हद तक नीचे गिर जाएंगे, लेकिन ऐसा अब बिहार की जनता और युवा जो है कि होने नहीं देगी। वो तो बोल रहे हैं कि नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरबीएन हिंदुस्तान, मैं सोनू कुमार। अभी आपको पैदल मार्च आपको बीजेपी कर रही है दोस्तों, कर रही है इसलिए कि आपको शिक्षक बहाली में है जो डोमिसाइल लागू हुआ है इसके लिए भी कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे हैं डिमांड है, क्या क्या है जो आपको मिलते हैं पहले जो बताते हैं। पहले सर मेरा चैनल में स्वागत है। सबसे पहले आपको नमस्कार और जो भी दर्शक देख रहे हैं उनको नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका शुभ? प्रमोद सिग्रीवाल नाम हुआ हम लोग। प्रमोद सिग्रीवाल, हाँ, छपरा जिला से आए हुए हैं, महाराजगंज लोकसभा से आए हुए हैं हम। क्या है आपका मतलब पैदल मार्च में आए हैं, क्या आपका डिमांड है, क्या सरकार से पैदल मार्च घेर रहे हैं विधानसभा, क्या आपको मार्च का है? देखिए, जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं, उन लोगों ने वादा किया था। अच्छा, उप मुख्यमंत्री जी ने तो चुनाव के पहले वादा किया था कि जब उनकी सरकार बनेगी तो कैबिनेट की फर्स्ट बैठक में 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, और इसी गए गांधी मैदान से। वो बोल रहे हैं कि हमको पूर्ण नहीं दिए हैं आप, हम गठबंधन करके लाए हैं तो इसलिए हम अभी आपको, जब पूरा सरकार मुझको बन जाएगा हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो कर पाएंगे, वो बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं। देखिए वो बहानाबाजी कर रहे हैं। अच्छा। जब हमारे शिक्षक भाई बहन और अपने मांगों को लेकर जब रोड पर उतर रहे हैं तो उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, उनकी बातें नहीं सुनी जा रही है और आप उनको राजकर्मी का दर्जा नहीं दे रहे हैं, क्या बात है भाई। और बिहार में डोमिसाइल नीति जो आप लागू है, बिहार के बच्चों को शिक्षक बनने को मिलना चाहिए, उसको भी आप हटा रहे हैं। मतलब मैं मजाक है कि बिहार के प्रतिभा के साथ, बिहारियों के साथ, बिहार के नौजवानों के साथ आप अन्याय कर रहे हैं, और इसी के जवाब में भारतीय जनता पार्टी आज पैदल मार्च कर रही है और भाजपा का नारा है, हम सभी का नारा है कि शिक्षकों के सम्मान में, और भाजपा है मैदान में और हम लोग सभी मिलकर नीतीश कुमार का जब तक नहीं हटा देते, आपको पता है कि शिक्षक हमारा सम्मान होता है, शिक्षक देश को बनाता है, और उसके साथ जब कोई अत्याचार कर रहा है तो हम भी उनके साथ कदम में कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है। बोले कि शिक्षक को मारा जाता था, तो इससे पहले जो सरकार थी उसमें भी तो आपको जब शिक्षक नियोजन का जब प्रक्रिया चल रहा था उसमें भी धरना प्रदर्शन हुआ था, उसमें भी आपको सरकारें पीटी थी। नहीं ऐसा देखिए, बात है आपने जो वादा किया था और पहले की सरकार की आप जो बात कर रहे हैं, शिक्षकों की बहाली किसने किया? हमारी सरकार ने, एनडीए की सरकार ने किया था। इसके पहले तो उन्होंने टीचर को पारा टीचर नाम दे दिया था, क्या मतलब है भाई, जो सम्मानित पोस्ट है उसको पारा टीचर बोल रहे थे, लेकिन हमारी सरकार ने उसको एक नई शिक्षा नियमावली बनाकर सारे जो बेरोजगार थे उन शिक्षकों की बहाली की और समय समय पर उनका मानदेय बढ़ाते गए, और हमारी जब सरकार बनेगी आने वाले दिनों में तो उनको राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, और जो उनके साथ जो आप बीपीएससी के माध्यम से जब टीटी का परीक्षा क्यों कराए भाई, एसटी का ऐसे बोल रहे हैं कि गुणवत्ता आएगा। अबे टेट का परीक्षा कौन करा रहा है? बीपीएससी जो आप बोल रहे हैं उसका विरोध है ना? नहीं विरोध नहीं है उसका। आप जो पहले से जो हमारे टीचर भाई बहन हैं तो उनको तो आप राजकर्मी का दर्जा दे दीजिए, और जो
जो नया बहाली कराना है बीपीएससी से कराइए चाहे यूपीएससी से कराइए, इससे कोई हम लोग को ऐतराज नहीं है। लेकिन जो पहले से जो टीचिंग जॉब में आ गया है, जो परीक्षा दे के आए हैं, तो बार बार कितने बार परीक्षा देंगे वो? तो देख सकते हैं दोस्तों, ये बोल रहे हैं कि जो आपको कितने बार परीक्षा पास करेंगे, जो पहले से आपको है उनको राजकर्मी का आपको शिक्षकों को आपको दर्जा दिया जाए और सारे हैं, आप क्या बोलिएगा? मैं बघा विधानसभा से आया हूँ, सबसे पहले आपके चरण को धन्यवाद देता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, किसी भी राज्य का किसी भी देश का युवा जो होता है वो देश का निर्माण करता होता है, और यहाँ पर जब भी हमारे गांधी मैदान पटना में जब युवा साथी अपने बेरोजगारी को लेकर यहाँ पर धरना पर आते हैं, नीतीश कुमार जी लाठीचार्ज कराते हैं। देखिए, जो हमारे घर के एक गार्जियन के रूप में है, अगर गार्जियन ही बच्चों के डिमांड के ऊपर लाठियाँ बरसाना शुरू करे तो ऐसे गार्जियन की आवश्यकता बिहार के युवाओं को बिल्कुल नहीं है। मैं नीतीश जी के लिए कहना चाहूँगा कि देखिए, बिहार की जनता सुने कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, अरे टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाए वो पत्थर वैसा शीशा तलाश करो। आपको हम लोग जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे नीतीश कुमार, क्योंकि आप जो है कि सत्ता के लोभी केवल हैं, आप जो ये उल्टा पुल्टी का खेल खेल रहे हैं, कभी बीजेपी के गोद में बैठते हैं, कभी आरजेडी के गोद में बैठते हैं, आपका सिर्फ एक ही मकसद है और वो मकसद है मुझे बस किसी भी हाल में कुर्सी बचाना है। इसके लिए वो किसी हद तक नीचे गिर जाएंगे, लेकिन ऐसा अब बिहार की जनता और युवा जो है कि होने नहीं देगी। वो तो बोल रहे हैं कि विकास इसमें आके बहुत ज़्यादा हम विकास कर रहे हैं। अच्छा, अगर विकास होता तो हम लोगों ने एक सुना होगा कि बिहार में कहावत है कि कौवा उड़, तोता उड़, मैना उड़, यहाँ पर पुल उड़ जाता है, 1700 करोड़ का पुल जो है कि हवा से उड़ जाता है, वो दो दो बार सोचे, इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या हो सकता है। वो तो पुल तो आप ही को समय में आपको पास हुआ है, बोल रहे हैं कि बीजेपी के ही साथ है, उसी समय पास हुआ है। बिल्कुल, तो बीजेपी ही आपको जिम्मेदार हुआ ना, बीजेपी एक साल में थोड़ी सा पुल गिर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि उसका टेंडर जो है कि सीएम आप हैं, भले उससे गठबंधन में है, लेकिन उसका निर्णय जो आपने लिया हुआ है, अगर एक बार में पुल जब गिर जाता है तो फिर आप जब सरकार में थे दोबारा कैसे अपना परमिशन दे दिया उस टेंडर को, फिर उसे ठेकेदार को दे दिया, यानी कि भ्रष्टाचार आपके अंदर भरा हुआ है, तभी तो आपने फिर दोबारा दिया। जब आपको दिया गया उस समय भी आपको बीजेपी की ही सरकार थी, जब दोनों साथ में थे, एक साल के अंदर में वो नहीं पुल बनाना स्टार्ट किया, एक साल पहले वो मिल गया था वहाँ पर टेंडर, जब बीजेपी के साथ दोनों था, इस पर क्या बोलूँ? मैं यही बोलना चाहूँगा कि देखिए, कोई भी अगर जो मुखिया होता है उसके अंडर में रखे जैसे काम किया सकता है, अभी जो है कि तेजस्वी यादव है वो जो है कि इंटरफेयर सीएम का जो काम है उसमें नहीं कर सकते हैं। तो बस जो हमारी जो सपोर्टिंग में थी तो विरोध करने का मौका नहीं मिला होगा, बट मैं ये कहना चाहूँगा एक बार गलती हो सकता है कि 7 साल मतलब, लेकिन दोबारा तो नहीं हो सकता है ना, दोबारा इन्होंने भ्रष्टाचार को और बढ़ावा दिया है। तो वो तो बोल रहे हैं कि हम इतना आपको नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, बिहार पुलिस हो यार आपको बहाली ला रहे हैं, उस समय आपको बीजेपी तो कुछ नहीं कर रही। देखिए, मैं बताना चाहूँगा जो जो सरकार 2011 की बहाली को जो सिपाही की अभी तक नहीं करा पाई, वो क्या बीजेपी को लांछन लगाएगी? जो कभी जब बीजेपी उनसे कुछ सवाल करने कोशिश करती है तो अपना गठबंधन तोड़ लेते हैं और जाके आरजेडी गोद में बैठ जाते हैं, तो फिर इसमें बीजेपी क्या करे? मतलब आपको बोलना है साहब कि कुर्सी का वो लालच है, कभी इधर तो कभी इधर, कभी उधर, क्या अब इधर आवेंगे तो बीजेपी स्वीकार करेगी? बिल्कुल नहीं। इस बार जो है कि हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने स्पष्ट कह दिए हैं कि अब जो कुछ भी हो जाए, अब आपको जो किसी भी एंगल से इसमें जगह नहीं दिया जाएगा, उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। बिल्कुल, तो देख सकते हैं दोस्तों कि अब बीजेपी आपको उनके लिए, नीतीश कुमार जी लिए आपको दरवाज़ा बंद हो गया है, और जो कामें कर रहे हैं वो आपको बढ़िया से काम करें। तब तक के लिए आप कैसा लगा इन लोगों का विचार आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तब तक देखते रहिए आरबीएन हिंदुस्तान दोस्तों।